भैया बहुत सुंदर महाराज इनकी आपस की वार्तालाप यहां बताई गई। अगले दिन एकादशी तिथि आई। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दन स्नातु नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविश। दसवां स्कंद के 28वें अध्याय का पहला श्लोक जिसमें सुंदर एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि एकादशी तिथि को कैसे नंद बाबा व्रत करते हैं और द्वादशी को यमुना में स्नान करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि भैया एकादशी का व्रत करना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं महाराज घर में आटो थोड़ी खत्म हो गए जो को व्रत करा। अरे ज्यादा आटे के चक्कर में पड़े रहोगे तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि हम भोजन को नहीं खाते हैं, भोजन हमें खा जाता है। ज्यादा भोजन करना कोई जीवन नहीं है, आप कभी भी ध्यान रखना, चाहे कितना भी स्वादिष्ट बना हो, मैं एक दो फुलका और खा सकता हूं तो मत खाओ, आनंद में रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, मोटापा नहीं होगा। आप देखो गाय भैंस चिड़िया को देखो, चिड़िया सब एक जैसी लगती है, गायें सब एक जैसी लगती हैं, क्यों? खाने का नियम है उनका, पीने का नियम है उनका, भले उनको हम पशु कहते हैं फिर भी अपने नियम पर, प्रकृति के नियम पर चलते हैं, और हमें लोग बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं, फिर भी महाराज कोई नियम नहीं है, न खाने का न पीने का न सोने का, कोई नियम नहीं है, न आने का न जाने का, कोई नियम नहीं है। कुछ तो शिक्षा लो मेरे भाई। एकादशी का व्रत करने से शरीर भी स्वस्थ होता है। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए महीने में कम से कम दो उपवास तो जरूरी है ही है भाई, और महीने में दो एकादशी आती हैं, एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसलिए ये महाराज वैज्ञानिक भी यहाँ पर बताया है और आध्यात्मिक भी यहाँ पर बताया है कि एकादशी व्रत की क्या महिमा है। पर अगर शरीर बीमार है तो व्रत नहीं, अगर शरीर बीमार है और व्रत करोगे तो सजनों वो ठीक नहीं है। बीमार के लिए, बच्चे के लिए छूट है, बूढ़े के लिए, बूढ़ा आदमी हो गया महाराज उसको वैसी भूख नहीं लगती, अब व्रत के चक्कर में शरीर में वैसे कुछ बनता नहीं है और वो व्रत करके बैठ जाए तो महाराज ओढ़ लो। तो जिसके लिए जीवन में अगर ऐसी कोई तकलीफ नहीं है तो वो व्रत करिए। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा बताई है, नंद बाबा ने निराहार एकादशी का व्रत किया, कुछ भी नहीं लिया जल के अलावा, और महाराज रात्रि में संकीर्तन किया, कीर्तन किया,